नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं कि आप सब घर में होंगे और सेफ होंगे। हम सब चाहते हैं कि हम सब खूबसूरत दिखें, गोरे चिट्टे दिखें, हमारा जो चेहरा हो उस पर कोई दाग या धब्बा ना हो। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी कुछ भी बता देता है और हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं और तरह तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हम अपने फेस पर करते रहते हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जिनको ये चीज़ पता होगी और जो लोग अपने चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। तो आज जो ये वीडियो होने वाली है इसी टॉपिक पे होने वाली है कि आप अपने चेहरे पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी टच भी ना करने दें, नहीं तो इसका खामियाजा आपको बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है और आपके चेहरे को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्म करने वाली हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और ये जो टिप्स है, ये चाहे कोई अगर ये वीडियो ओपन कर रहा है, चाहे कोई वो बॉय हो यानी कि जो चाहे कोई मेल हो या फिर फीमेल हो, हर किसी के लिए ये जो टिप्स है वो हैं। तो ये प्लीज़ वीडियो पूरी देखना। तो सबसे पहले जो ये चीज़ है, इंटरनेट पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी DIY ऐसी रेमेडीज़ देखी होंगी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को बताया होगा। खासकर जो वो 5 मिनट्स वाले क्राफ्ट आते हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा बेकिंग सोडा लगाने से ये हो जाता है वो हो जाता है। तो आपको अपने फेस पे बेकिंग सोडा कभी भी नहीं यूज़ करना है। अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं तो अपने हाथों पे बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, अंडर आर्म्स वगैरह पे बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। हाथों के लिए उतना ज़्यादा हार्श नहीं है, लेकिन फेस पे आप कतई बेकिंग सोडा ना यूज़ करें। अगर आप चाहें तो बेकिंग सोडा की जगह आप चावल का जो आटा होता है एक्सफोलिएट करने के लिए अपने चेहरे पे वो यूज़ कर सकते हैं। चावल का जो आटा है वो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। स्पेशली मुझे चावल के आटे से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो आप उसकी जगह वो यूज़ कर सकते हैं। ये उससे ज़्यादा काम करेगा और इसका कोई हार्श कोई केमिकल इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो आपके चेहरे पर ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मैंने कई सालों से बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ देखी हैं टूथपेस्ट से रिलेटेड। तो टूथपेस्ट कभी भी आप अपने पूरे फेस पे ना लगाएं। टूथपेस्ट अगर आप अपने चेहरे पे लगा रहे हैं तो इससे आपको पिंपल्स हो सकते हैं, आपके चेहरे पे दाग धब्बे हो सकते हैं, आपका जो चेहरा है उस पर रैशेज निकल सकते हैं। तो कभी भी टूथपेस्ट ना लगाएं। टूथपेस्ट की जगह अगर आप चाहें तो ठंडे पानी से अपना चेहरा धुल सकते हैं, या फिर पुदीने की जो पत्तियाँ होती हैं, खीरे का रस होता है, इन सब चीज़ों को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। ये टूथपेस्ट से ज़्यादा आपके चेहरे पर फ़ायदा करेंगे। देखा है बहुत सारे लोगों को ग्लू अपने फेस पर लगाते हुए। तो ग्लू अगर आप लगाना चाहते हैं तो जो ये आपका नोज़ वाला एरिया होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ अपने नोज़ एरिया पे लगाइए, पूरे फेस पे आप बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा ग्लू। ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इससे क्या होता है, आपके जो चेहरे हैं उस पर ओपन पोर्स बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, और इस तरीके से जब ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं तो आपको पिंपल्स या फिर पिगमेंटेशन की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि नींबू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रब करते हैं हर कोई। तो नींबू जब भी आप लगाएँ उसका जो रस होता है यानी कि जो उसका जूस होता है वो निचोड़ के उसमें आप, जैसे कि रोज़ वाटर हो गया या फिर एलोवेरा जेल हो गया या फिर कोई ऑयल ऑलिव ऑयल या फिर ऐसी चीज़ें उसमें मिला के लगाएं, या फिर ग्लिसरीन हो गया, ऐसी चीज़ें इसमें मिला के लगाएं। कभी भी नींबू अपने फेस पर डायरेक्ट ना रब करें, और अगर आप रब करते भी हैं तो नींबू ऐसे आप, मैं आपको बता दूँ कि नींबू जो है वो ब्लीच का काम करता है। तो नींबू जब आप लगाते हैं अपने चेहरे पर और उसके बाद आप अपने सन में जाते हैं तो वो आपके चेहरे और भी ज़्यादा हार्श करता है, और भी ज़्यादा जला देता है आपके फेस को। तो इससे आपके फेस पे रैशेस आ सकते हैं, आपका चेहरा जो है वो ख़राब हो सकता है। अगर आपको लेमन यूज़ करना है तो आप हमेशा उसका जो रस है वो निकालिए, उसमें कुछ ऐड करके फिर लगाइए, और डायरेक्ट अपने चेहरे पे कभी भी। काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा स्पेशली विंटर्स में कि वो अपना चेहरा जो है वो गर्म पानी से धुलते हैं, गुनगुने पानी से धुलते हैं। तो अपने फेस पे गर्म पानी कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए, इससे आपका जो फेस है वो ड्राई हो सकता है, आपके फेस पर जो वाइट वाइट से जो डैंड्रफ आते हैं वो आ सकते हैं, और आपकी जो स्किन का ग्लो है, जो आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो जा सकता है। तो इसीलिए गर्म पानी आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकता है, तो गर्म पानी से अपना चेहरा कभी भी नहीं धोना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल पे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। कोई अगर क्वायरी या फिर कोई सजेशन है चैनल के लिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही किसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। बाय बाय।